ये थी। फातिमा, फातिमा किसकी बेटी हो? पापा पापा। की बेटी हो? इधर बैठेगी और मैं जनाब कर जाऊंगा आप। नहीं है, नहीं है करने। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो जनाब, मुबारक हो, मुबारक हो जनाब। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप? सब खैरियत है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये फजर का टाइम है और फजर की अजानें हो रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आज आँख खुली है। फजर के टाइम नमाज नींद से बेहतर है, तो आज जनाब विलाग इसी टाइम से शुरू करते हैं क्योंकि ये बरकत वाला टाइम है। सबसे पहले जो है ना वो हम करेंगे जनाब वज़ू करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह दुआ फातिमा सो रही है, तो मज़ीद जो है ना वो दुआ फातिमा को डिस्टर्ब करने के बगैर जो है हम जाएँगे वज़ू करेंगे और बाकी बातें जो है ना वो बाद में करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वजू मैंने कर लिया। सबसे पहले जाएंगे मस्जिद में, नमाज अदा करेंगे और बाकी जो भी बातें हैं वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी चलते हैं सीधा मस्जिद में क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा है जमात में और सुनते भी पढ़नी है, और जाएंगे और मस्जिद में जो है वो नमाज अदा करेंगे। पापा फातिमा, फातिमा किसकी बेटी हो? पापा की बेटी हो? फातिमा जी पापा की बेटी है जनाब। दुआ फातिमा पापा की, पापा की शहजादी है। अच्छा जनाब, हमने क्या करेंगे अब? हम जनाब वो करेंगे, वो करेंगे जो करना चाहिए वो जनाब हम करेंगे, वो हम रखेंगे सरप्राइज। इसमें सरप्राइज रखने वाली कौन सी बात है वैसे? तो फातिमा अब मैं, आप इधर बैठो और मैं जनाब करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं कहा करिए, नहीं नहीं ना करो पापा, तो गर्मी लग रही है ना मुझे। ओ फातिमा इधर बैठेगी और मैं जनाब कर जाऊंगा। नहीं है करने, ठीक है? दुआ फातिमा कह रही है नहीं, पापा ऐसे ही गर्मी में बैठा रहे। दुआ फातिमा गर्मी नहीं आपको लग रही? लग रही है ना, तो फिर पापा को भी लग रही है ना, पापा को नहाने दो। हाँ भाई, साल नहीं लेना। ना सालन नहीं लेना, सालन नहीं लेना, मैं दही ना खासा रोटी। एक मिनट रुके रुके। मैं क्या फजर टाइम से बड़ा भी लो अपना इस ओवर टाइम ही बना रहा जनाब। अब हम आपके सामने जनाब पेशे खिदमत हैं और भतीजा साहब भी हैं, और आज भतीजा साहब बगैर मैं उदास हो गया था वैसे। असल बात आपने चाचू वीडियो में एक वीडियो में भी नहीं लिया। और जनाब हम आप तो जनाब हमारी रौनक, वैसे मैंने आपके लिए नान एक सरप्राइज भी रखा हुआ है। क्या पता चाचू? कौन सा? कौन सा? वैसे हम आज पता क्यों दादा बू के पास, नान के दादा बू के पास क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं नान बताएं फिर जनाब। आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 जनाब, आज मेरे बड़े भाई को, भाई मुबशर को अल्लाह पाक ने बेटा दिया है, बेटे की नेमत से नवाजा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। और उनकी पहले तीन बेटियां थी और तीन बेटियों के बाद अल्लाह पाक ने उनको बेटा दिया है, और हम जनाब दादा अबू के पास जश्न मनाने आए हैं। जश्न अल्हम्दुलिल्लाह। जी हनान साहब का आ गया कजन। और अच्छा जी हनान साहब, आप कितने खुश हो जनाब आपका कजन आ गया? हाँ बहुत बहुत खुश है जनाब, हनान साहब बहुत खुश है जनाब। टाइम हो गया है 3:25, 3:25 हो गए हैं, और जनाब दादा अबू जनाब नान के बहुत खुश हैं माशाल्लाह जनाब। दादा अबू हाँ माशाल्लाह बहुत, हाँ इंतहा खुशी है जनाब। नान साहब, नान साहब अब हमने क्या करना है? अब हम जनाब बुकिंग भी करे किया करेंगे बीच बीच में, और सारे जनाब हम जो व्लॉग भी बनाया करेंगे, बनाया करेंगे। क्या चाचू कुकिंग में मजा आया? बाकी आप जनाब हम जो है कुकिंग भी किया करेंगे। कुकिंग भी, नान साहब को कुकिंग बड़ी पसंद है, कल भी मुझे कह रहे थे नान चाचू वो बनाना नहीं है। एक बात मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, नान के बगैर वीडियो बनाने की चस नहीं है, चस है तो चाचू भतीजा के साथ। यस अब हम जनाब के ऐसे करेंगे कि जिस टाइम में हनान साहब अवेलेबल होंगे तो हम हनान साहब के जनाब साथ मिलके जनाब हम मस्जिद भी जाया करेंगे, नमाज पढ़ने भी, और बाकी भी जनाब वीडियो बनाया करेंगे और खूब इंजॉय करा चाचू। कल तो संडे है ना, कल तो मैं हूँ जनाब, कल संडे है, कल फुल टाइम जनाब चिल करेंगे। चलें फिर चाचू,
छोटा बेबी आया तो कुछ मिठाई छिठाई अनार के दादा अबू जी जनाब मिठाई शठाई का अरेंज करो तुम चोपा बताएगी हाँ जनाब हलवाई बिठावांगे जनाब मिठाइयां चलनगी क्यों नान साहब बिल्कुल सही कहा जनाब फुल एंजॉय करेंगे अच्छा जनाब अब दादा अबू को जनाब रेस्ट करने देंगे बाकी कुछ और काम कर वेले तू तो है वेला तो मैं भी नाल तेरा वेला ही हूं ये देखे जनाब मैं बाजार आया हूँ तो असर की नमाज का टाइम जो है वो हो गया था तो मैंने सोचा कि ये मेरे दोस्त हैं इनकी दुकान पे जो है ना वो नमाज पढ़ते हैं वैसे भी इनसे के पास चाय भी पीनी है वो चाय भी पीते हैं ये देखे ना काम में इतना बिजी है कि इन्हें धागे वगैरह ऊपर ही लगाए हुए हैं तो इनको उतारने की भी फिक्र नहीं है तो अल्लाह पाक इनके कारोबार में जी बरकत अता फरमाए हम नमाज भी पढ़ने लगे हैं चले जी इधर जाए नमाज डालते हैं फिर जनाब वो कह रहे हैं जलेबियाँ खिलानी हैं और इनको इनको मैंने बताया कि मेरे भाई के कार अल्लाह पाक ने उनको बेटा दिया तो ये बहुत खुश हुआ है इनसे मैंने पहले ही बोला था यार दुआ करना अल्लाह पाक जो है ना वो मेरे भाई को बेटा दे तो इन्होंने बहुत दुआ की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आज जो है वो तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो पूरी की है तो हमें अल्लाह पाक ने एक और भतीजा दिया है चले पार के बाकी जो बातें वो बाद में करेंगे अभी सबसे पहले जो है वो असर की नमाज जो है ना वो अदा ले जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जनाब हम मस्जिद से निकले हैं और हम चाचा भतीजा ने जनाब हमने नमाज मगरब अदा की है और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अभी हम घर जा रहे हैं वो भतीजा साहब नीचे नीचे हो रहे हैं नीचे 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 हो रहे हैं अभी हम जनाब जाएंगे घर और घर जाके तो जनाब हम करेंगे डिनर रात ही चाचू मुझे चलो जी हम ऐसे करते हैं अभी जनाब भतीजा साहब और हम दोनों भतीजा साहब और चाचू साहब जनाब दोनों जाएंगे घर और जब बहुत अंधेरा हो रहा है अंधेरा हो रहा है मेरे ख्याल वीडियो इधर ये बंद करते हैं बाकी वीडियो जो है वो हम घर जाके बनाएंगे जी जी हम मगर नमाज पढ़ घर पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अभी हम भतीजा साहब और मैं जो है वो खाना खाएंगे डिनर करेंगे भतीजा साहब को बड़ी भूख लगी और चाचू को तो फिर गर्मी है हाँ तो अभी जब थोड़ी देर में जनाब हम तकरीबन 8 बजे नहीं नहीं 9 बजे हाँ हाँ आज तो जनाब चाचा भतीजा ने जनाब सेम सेम ड्रेसिंग की हुई है माशाल्लाह चले जी साथ पहले जनाब डिनर करते हैं बाकी बातें बात है ठीक है भतीजा साहब ओके ओके ले जी जनाब चाचा भतीजा जनाब ये तो फिर हाजिर जैसे आपको बताया था कि अल्लाह पाक ने जनाब हमें भतीजा दिया और हनान साहब का ये माशाल्लाह कजन आया और मिठाई जनाब आ गई है और भतीजा साहब भी पास हैं और जनाब हम साहब का अब मुंह मीठा करवाएंगे नान साहब के दादा का करवाएंगे नान साहब के पापा का कराएंगे और नान मेरा कराएगा मैं नान साहब का कराऊंगा लेकिन हम दोनों लास्ट में जो है ना वो एक दूसरे का मुंह मीठा करवाएंगे पहले बड़ों का मुंह मीठा कराएंगे सबसे पहले जनाब हम जैसे आपको बताया कि पहले बड़ों का करवाएंगे और ये जनाब दादा अबू को उठाया और सबसे पहले जनाब नान साहब जो है ना अबू है ना हाँ मेरे तो पापा जान नहीं और नान के जनाब जो है वो दादा अबू है सबसे पहले जनाब मोहम्मद नान साहब मतलब भतीजा साहब जो है वो मुंह मीठा करवाएंगे दादा अबू का चले जनाब साहब बिस्मिल्लाह करके करवाओ करवाओ ना नान शर्मा रहा है मुंह मीठा करवाते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह चले जी माशाल्लाह दादा अबू का मुंह मीठा हो गया और अब जनाब करवाएंगे मुंह मीठा नान साहब के पापा का उसके बाद जनाब नान मेरा मुंह मीठा करवाएगा मैं नान का हाँ साहब आपके जनाब पापा जाने आ गए अब आप बिस्मिल्लाह करके अपने पापा जाने का मुंह मीठा आप नहीं करवाना साहब का मुंह मीठा करवाना हाँ चलो जी मुंह मीठा करवाएगा जनाब मोहम्मद नान साहेब पापा कह रहे ये वाला माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो जनाब मुबारक हो मुबारक हो जनाब हम मैं बहुत खुश हैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह चले आप भी मिल लो ना ना करके टोड़िया निकाल के चले जी लास्ट में जनाब मैं नान साहब का भतीजा साहब का मुंह मीठा करवाऊंगा और भतीजा साहब मेरा चले जी पहले मैं या आप पहले मैं पहले जनाब भतीजा साहब को यही ले लो यही ले लो बिस्मिल्लाह रहमान अब मेरा मुबारक तो दी नहीं मुझे मुबारक मुबारक और चाचू जी मुबारक हो चाचू जी मुबारक हो अब भतीजा जी तुहानू भी मुबारक हो बड़ी बड़ी आवाज आई है चलो जी मैं आप भतीजा साहब का मुंह मीठा करूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह नान साहब आपको भी मुबारक हो ठीक है आपका कजन आया माशाल्लाह और नाम जो है ना उस नाम कजन का क्या रखा है वो हम जनाब नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे चलो जी आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए सरप्राइज के साथ और बताएंगे कि हमने काका जी का नाम क्या रखा है ठीक है नान साहब तब तक जनाब आप हमें दे इजाजत चाचा भतीजा को और
हमारे ब्लॉग की जो है ना वो रौनक सिर्फ इजाजत इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।